हेलो दोस्तों, मैं मसरत अब्बास एक बार फिर कुछ टेक्निकल टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ। तो फाइनली हुंडई ने वेन्यू लॉन्च कर दी है और काफी दिन से चल रहा था कब लॉन्च होगी और क्या प्राइसिंग होगी, क्योंकि जिस तरह का मॉडल हुंडई ने दिखाया था उससे ये लग रहा था कि काफी मतलब कुछ नया करने वाला है हुंडई अपनी इस गाड़ी के साथ। लाइट चली गई एज यूजुअल, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे एरिया में लाइट कभी कभी आती है, वैसे चली गई। खैर, आगे बढ़ने से पहले प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आप भी जान रहे हैं बड़ी मुश्किल से हमारे कैमरे चार्ज होते हैं, एडिटिंग कैसे होती होगी, कैसे अपलोड होता होगा जब लाइट का ये हाल रहता है। और तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जिस तरह का रिसेशन का टाइम चल रहा है इंडिया में, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए नहीं चल रहा है, पर मेरे हिसाब से शायद ज़्यादातर लोगों के लिए चल रहा है। उस पोजीशन में कंपनीज जहां बड़ी बड़ी गाड़ियां लॉन्च कर रही थी, एक्सयूवी लॉन्च कर रही थी जो कि अबव 20 लाख थी, और उसके साथ कंपनीज जो लो सेगमेंट की गाड़ियां जिनको हम हैचबैक या सेडान या मिनी एक्सयूवी भी कहते हैं, उनको लॉन्च कर रही हैं, क्योंकि कंपनी को जो लोअर लेवल कस्टमर है उनको भी नहीं छोड़ना है, मिडिल को भी नहीं छोड़ना है, अपर को भी नहीं छोड़ना है। अपर तो खैर प्रीमियम क्लास में जाता है, BMW X1 ऑडी में जाता है, लेकिन जो ये दो सेगमेंट है इन्हीं का रहता है, इन्हीं को कंपनीज को कैच करना होता है जो हमारी ये मिडिल कंपनीज हैं, जैसे कि अपना मारुति, हुंडई, फोर्ड और एक्सेट्रा कंपनीज हैं, इनको पकड़ना होता है। तो ऐसे टाइम पे दोस्तों हुंडई ने लॉन्च किया, पर हकीकत में ये कहूंगा कि आज जब मैंने देखा हुंडई ने जो लॉन्च किया है वेन्यू को और उसने जो प्राइसिंग दी, हकीकत में ये है कि कितना भी रिसेशन हो लेकिन अगर आप अर्निंग पर्सन हैं, आप पास कैपेसिटी है, तो आप ऐसी गाड़ियों को मिस नहीं करना चाहेंगे। क्योंकि तो गाड़ी में जो प्राइसिंग दी है कंपनी ने 6.50 लाख से लेके 11.11 लाख में आपको टॉप मॉडल कंपनी प्रोवाइड कर रही है। मतलब आप ये समझिए कि एक बहुत ही सस्ते में कंपनी आपको बहुत कुछ, और जिसमें फीचर्स इतने सारे हैं जो आजकल हम सब चाहते हैं कि हमारा बजट चाहे 4 लाख हो चाहे 10 लाख हो, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमें एयर बैग भी मिल जाए, जैसे 6 एयर बैग। आजकल सबसे पहले फोर्ड इको स्पोर्ट ने 6 एयर बैग जो कि लो सेगमेंट की गाड़ियों में कही है, जैसे इको स्पोर्ट में लॉन्च किया था, उसके बाद अब वेन्यू ने और सस्ती गाड़ी में भी दे दिया है 6 एयर बैग। वायरलेस चार्जिंग, जैसे अब हर किसी मोबाइल में ये फंक्शन एक नॉर्मल सा हो गया वायरलेस चार्जिंग, पहले हमें चार्जर रखना होता था, USB पोर्ट, केबल, ये सब, अब वो सब सारी चीज़ों की जरूरत अब नहीं है हमें। उसके बाद क्रूज कंट्रोल, दोस्तों ये बहुत ही प्यारा ऑप्शन है, मैं खुद चाहता हूँ गाड़ी चेंज करना, पर बहुत से रीज़न है नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ फाइनेंशियली है, कुछ खुद भी मैं थोड़ा सा कोशिश नहीं कर रहा हूँ, पर ये क्रूज कंट्रोल ऑप्शन बहुत अच्छी है मुझे। मैं अगर यहाँ से 300-400 किलोमीटर दूर जाता हूँ तो मुझको हाँ फालतू में ही एक्सेलेटर पे अपना पैर दबा के रखना पड़ता है एक लेवल पे रोक के, जिससे जैसे हम लोग को पैरों में प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस इस टाइप का पेन है, तो ये हम लोगों को गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम करती है। लेकिन क्रूज कंट्रोल एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, जो कि मेरे ख्याल से लो सेगमेंट में अगर हुंडई वेन्यू को देखें तो मेरे ख्याल से इसने और कुछ कंपनीज ने क्रूज कंट्रोल को दिया है, जैसे विटारा ब्रेजा ने भी दिया था जो कि ZDI से स्टार्ट हो जाता है आई थिंक। उसके बाद दोस्तों बात करें तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल हर कोई अब चाहता है, कोई नहीं चाहता है कि मैं मैनुअल उसको घुमाऊं, हर कोई सोचता है मैं टेम्परेचर सेट करूं, एक मेंटली वो है कि मैं गाड़ी का 20 डिग्री टेम्परेचर सेट कर दूं तो गाड़ी मेरी 20 डिग्री तक कूलिंग आ जाए, ये एक मेंटली सेटिस्फेक्शन जिसे कह लीजिए एक थोड़ा सा दिल को अच्छी लगने वाली बात है। उसके बाद जो बात करते हैं इसमें कंपनी दे रही है रियर एसी वेंट, ये भी आजकल वैसे तो अगर फ्रंट है उसका एसी में जो कंप्रेसर लगा हुआ है वो अगर 0.5 से ऊपर का है, जैसे फोर्ड की गाड़ियों में 6.65 आता है, वो इतना अच्छा होता है कि पूरी गाड़ी को अच्छा कूल कर लेता है। लेकिन आजकल एक ऑप्शन और आ गई है, बीच में रियर एसी वेंट्स दिए हैं जिसमें कि कूलिंग पीछे से भी जो भी पीछे पैसेंजर होते हैं उनको डायरेक्ट मिलती है, ये अच्छा ऑप्शन है, और ना भी हो तो काम चल जाता है, लेकिन यह है कि अगर है तो एक कंपनी के लिए फीचर है ऐड करने के लिए। उसके बाद पुश बटन, ये बहुत ही प्यारा फीचर आ गया, हर कोई सोचता है कि मैं चाबी को ना घुमा के मैं सीधे आराम से गाड़ी में बैठ के मैं बटन को पुश कर दूं और मेरी गाड़ी स्टार्ट हो जाए, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, हर किसी को जिसे कहिए दिल से पसंद आता है, हर कोई चाहता है कि मेरी गाड़ी पुश बटन स्टार्ट स्टॉप हो, जो कि अब लो सेगमेंट की गाड़ियों में भी ये ऑप्शन आ गया है, अब आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद इंफोटेनमेंट सिस्टम आज हर कोई चाहता है, जो भी गाड़ी ले रहा है अगर वो अल्टो भी लेता है तो शायद उसके दिल में होता है काश इसमें भी मुझे इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता,
लेकिन ऑल्टो से थोड़ा ऊपर आ जाइए, आपको 7-8 लाख की गाड़ियों से इंफोटेनमेंट सिस्टम अवेलेबल हो जाएगा, जो कि समझिए पूरा गाड़ी में एक इंटरेस्ट पैदा कर देता है। जो भी ड्राइवर है, जो भी पैसेंजर है, उनको उसमें वीडियो, उसमें सॉन्ग, उसमें मोबाइल कनेक्टिविटी, पूरा आपको फोन डायरेक्टरी, मतलब बहुत सारे फीचर्स हैं, GPS है, इतना कुछ मिल जाता है कि अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं गाड़ी बैठ के, तो आप उस पर ही लगे रहेंगे, खेलते रहेंगे, आपका टाइम पास हो जाएगा। और आपको गाड़ी चलाने में भी जब उस पर कुछ प्ले करते हैं, थोड़ा एक अलग सा फील आता है, आपको बार बार अपना सेलफोन नहीं देखना होता, कोई कॉल आ रही है, आपने एक नजर स्क्रीन पे मारी और आपको दिख गया। और बहुत समय तो नंबर भी अनाउंस करता है, साउंड करता है किसका कॉल है, तो आप उससे भी अंदाज कर सकते हैं किसका कॉल है। प्लस फोन डायरेक्ट रिसीव नहीं थी, आपको फोन में छोटे छोटे जो डिजिट हैं वो नहीं देखने होते, आपको डायरेक्ट बड़े स्क्रीन पे बड़े अक्षरों में दिख जाता है, आप वहीं से डायल भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये एक फंक्शन है गाड़ियों में, जो कि धीरे धीरे एक नॉर्मल सा फंक्शन हो रहा है, हर कंपनी इसको प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद दोस्तों एक हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा पसंद किया जाने वाला फीचर है, जो आजकल हम सब चाह रहे हैं, मैं भी सोचता हूँ अपनी पुरानी गाड़ी की छत काट के उसको लगा लूँ, वो है सनरूफ का। बहुत ही बेस्ट, बहुत ही अच्छा फीचर है कि मेरी गाड़ी में मैंने सनरूफ को ओपन कर दिया, भले मैं वो हाफ ओपन करूं, मुझे ऊपर से सनलाइट दिखाई देती रहेगी, मुझको ऊपर से आसमान दिखाई देता रहेगा, अगर मैं पूरा खोल दूंगा तो मुझको बाहर की एयर भी थोड़ी बहुत मिलती रहेगी। ये बहुत ही अच्छा फीचर है, पर वहां के लिए है जैसे हिल स्टेशन, वैसे हमारे इलाहाबाद के लिए नहीं है, क्योंकि यहां तो विंडो खोलने में गाड़ी की ऐसी की तैसी हो जाती है, अगर हमने कहीं गलती से सनरूफ खोल दिया तो मेरे ख्याल से गाड़ी का कलर ही अंदर का चेंज हो जाएगा। लेकिन ये एक फीचर है, लोग लेना चाहते हैं कि जब कभी हिल स्टेशन में जाएंगे या किसी ऐसी जगह गए जहां पर डस्ट नहीं होगी, तो हम इस फीचर को भी इंजॉय करेंगे। उसके बाद एक कंपनी ने जो हुंडई ब्लूलिंग, जो आजकल कई कंपनीज दे रही हैं फीचर, जो गाड़ी में इनबिल्ट फंक्शन है, जो किसी न किसी टेलीकॉम कंपनी के थ्रू कनेक्ट होता है, कि अगर आप इमरजेंसी में हैं तो आप एक कॉल करके मैसेज कर सकते हैं कि हमारी गाड़ी यहां पे एक्सीडेंट हो गई है, हम यहां पे प्रॉब्लम है, तो कंपनी आपको रेस्क्यू, आपको हेल्पिंग टीम प्रोवाइड कर लेगी। अब इसके इंजन की बात करते हैं दोस्तों, हुंडई वेन्यू के इतने सारे फीचर्स दे रही है इसमें दोस्तों, टोटल जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है 4 इंजन ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है। अब 4 कैसे, एक डीजल होगा, एक पेट्रोल होगा, ठीक है। डीजल का एक ही है 1.4 का है इंजन का ऑप्शन है दोस्तों, जिसमें जो कंपनी दे रही है उसमें 13.96 cc और 90 PS का इंजन है और 220 Nm का पावर दिया हुआ है। मैं इतना इसमें पूरे फुल कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि अगर आप 1400 cc गाड़ी अगर आप फोर्ड की चलाएंगे और इसको चलाएंगे, तो आपको नो डाउट आपको जो सेटिस्फेक्शन, जो पावर, जो आपको इंजन में फीलिंग आएगी फोर्ड की गाड़ियों में, वो आपको शायद इसमें ना आए। लेकिन फिर भी रीसेल के मामले में हुंडई की गाड़ियाँ अच्छी हैं फोर्ड से, तो आप इसको देख सकते हैं, थोड़ा सा फीलिंग में ही कमी आएगी, थोड़ा सा पिकअप में ही कमी आएगा, क्योंकि मैंने चलाई है क्रेटा 1.4, मुझको खास नहीं लगी, बल्कि उससे अच्छी तो मुझे अपनी 1.4 1400 cc फीगो ज़्यादा अच्छी लगी। उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है 1.2 लीटर पेट्रोल है, और उसके बाद 1.0 लीटर पेट्रोल है, जिसमें दो ऑप्शन है, एक तो ऑटोमेटिक गियर है और एक मैनुअल गियर है। अब आप सोच रहे होंगे 1.2 लीटर पेट्रोल है तो 1.0 ये टर्बो चार्जर का, ये दोस्तों एक नई टेक्नोलॉजी है जो कि 3 सिलेंडर पर चलती है, इसमें माइलेज अच्छा ऐसा कहा जाता है गाड़ी निकालेगी, पर एट लास्ट कुछ खास फर्क नहीं आता है, पर ये है कि 3 सिलेंडर में थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है, कंपनी के ऊपर कॉस्टिंग कम आ जाती है माइलेज तो, क्योंकि अगर इन्होंने टर्बो चार्जर किया तो उसमें ऑटोमेटिक गियर लगा दिया तो माइलेज अपने आप इक्विवेलेंट, ये कहिए कि ऑटोमेटिक गियर का जो माइलेज ड्रॉप होना था वो इस इंजन से कवर हो जाता है। और प्राइस की बात करें तो 6.50 लाख से 11.11 लाख तक है, जिसमें जो वेरिएंट्स हैं वो सेम क्रेटा के ही तरह है, ई बेस मॉडल, एस, फिर SX, फिर SX प्लस, फिर SX ऑप्शनल। तो पूरी अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे, मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, आपने देखा भी, मैंने कुछ स्नैप दिखाई थी, मैं एक छोटे शहर में रहता हूँ तो यहाँ पर वीडियो बनाने को लेके काफी, जिसे कहिए गंदगी है शोरूम में, कि कहीं अलाउ करते हैं कहीं नहीं करते हैं। अब मैं खुद दूसरे बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ, ये तो मेरा एक इंटरेस्ट है, जिसलिए मैं वीडियोस वगैरह बना के अपलोड कर देता हूँ, पर मैं अगर अर्निंग के पर्पज से जाता और उसको कोई टोके तब तो मैं उससे किसी तरीके से मैं उसको सेट करने की कोशिश करूँ, पर मेरा कोई वैसा पर्पज नहीं, इसलिए मुझको कोई अगर रोक दे तो ये मुझे काफी मतलब अजीब सा लगता है, तो इसलिए मैं जाता नहीं हूँ। मेरा कोई जानने वाला जब कोई गाड़ी ले लेगा हुंडई वेन्यू तो मैं आपको टेस्ट ड्राइव और उसको मैं पूरा अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए ये कहूंगा कि अगर आपका बजट कम है और आप अच्छी गाड़ी चाह रहे थे तो हुंडई वेन्यू बेस्ट ऑप्शन है। आप क्रेटा भी सोच रहे थे पर
प्राइस की वजह से आप नहीं कर पा रहे डिसाइड, आप 11.5 लाख खर्च करके आप बेस मॉडल ले रहे थे, तो आप वेन्यू ले सकते हैं जो कि 4 मीटर में है, क्रेटा जो है 42 पॉइंट समथिंग है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा गाड़ी में, तो आप हुंडई वेन्यू टेस्ट ड्राइव लेके आप उसको, हुंडई गाड़ी है तो फ्लॉप होने का चांस कम ही होता है, और आप उसको बहुत आराम से बेहिचक ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको गाड़ी ये बहुत पसंद आएगी। मैं अगर कभी टेस्ट ड्राइव लूंगा तो उसका वीडियो बनाऊंगा। अभी जो मेरा पर्पस था आपको ये बताना कि गाड़ी में क्या क्या फीचर्स हैं, गाड़ी में इंजन कौन सा है, गाड़ी में क्या क्या चीजें हैं, क्या प्राइस होगा, वो सारा कुछ, बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये बता रहा हूँ कि ये गाड़ी हुंडई क्रेटा एक अलग सेगमेंट था जो कि मारुति ब्रेजा टाटा नेक्सॉन और फोर्ड इको स्पोर्ट को कॉम्पिटिट नहीं कर पा रही थी, लेकिन ये जो हुंडई ने निकाला है हुंडई वेन्यू, ये पूरा पूरा जो सीधे कॉम्पिटिशन दे रहा है विटारा ब्रेजा टाटा नेक्सॉन और फोर्ड इको स्पोर्ट, इस सेगमेंट की गाड़ी के लिए ये कंपनी ने ये इस मॉडल को उतारा जो कि काफी सस्ती, उनसे भी सस्ती है ये गाड़ी। आप अगर यहाँ पे टॉप मॉडल जा रहा है 11.11 तो मेरे ख्याल से इसमें इतने सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो कि और किसी कंपनी में अवेलेबल नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना, और उम्मीद करते हैं अगर आप गाड़ी का प्लान कर रहे थे और आप रिसेशन के शिकार नहीं है, आप पास बजट है, लेना चाहते हैं, तो प्लीज एक बार हुंडई वेन्यू भी ट्राई कीजिए, टेस्ट ड्राइव लीजिए, और अगर ना समझ में आया तो इको स्पोर्ट जरूर ट्राई करिएगा, आपको जरूर पसंद आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।